और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर. एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट. दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है. और जो क्लिप आपने अभी देखा, उस क्लिप के बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि द कश्मीर फाइल जो मूवी अभी रिलीज हुई है, उस मूवी में जो सीन दिखाया गया है, आप लोग भी देखने गए होंगे मूवी, तो मूवी आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इस मूवी में बढ़ा चढ़ा के ही दिखाया गया होगा, या फिर जो नहीं हुआ था उसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्चुअल में देखा जाए तो उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हुई थी दर्दनाक, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखाई गई हैं. उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर वो सारी चीज़ें पूरा खुल के पूरा अच्छे से और असलियत दिखाई गई होती उस मूवी में, तो शायद वो मूवी आज रिलीज़ नहीं हो पाती और हम लोग सच्चाई नहीं जान पाते. तो बात कर लेते हैं उस मूवी की. उस मूवी में एक प्रोफेसर राधिका मेनन करके, जो हमारे देश के विख्यात यूनिवर्सिटी दिल्ली की ही हैं, तो वो जो है उस मूवी में बोलती हैं कि कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग नहीं है. वो ऐसा बोलती हैं कि कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग नहीं है. इनफैक्ट कभी भी नहीं था और ना ही होना चाहिए, और कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए भारत से. बोलती है ना ऐसा. या कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, या कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है जो इस मैडम के थ्रू दिखाया गया है, जो इस मैडम ने रोल किया है. यह सत्य में एक स्त्री पर आधारित है. जिस स्त्री की क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी थी, उनका नाम है प्रोफेसर निवेदिता मेनन. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन्होंने 2 साल पढ़ाया, और इससे पहले इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में और लेडी श्रीराम कॉलेज में 15 सालों से इन्होंने हमारे देश के युवाओं के दिमाग में ये जहर भरा है. मैं नहीं कहता इन्होंने पढ़ाया है, जो पढ़ाते हैं वो इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं. साफ साफ इस देश को तोड़ने की एक ये मंशा है जो कि ये लोग हमारे देश के युवाओं के मन में भर देते हैं, और इसके बाद हमारे देश के युवा इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं. जो ये कहते हैं वही मानते हैं, बिना उसका सच जाने. जो ये बोलेंगे वही ये करेंगे, क्योंकि हमारे देश में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, ऐसे हमारे संस्कार हैं. खैर, आपको हमने बताया कि जेएनयू और एलएसआर में ये पढ़ा रही हैं, अपने आप को ये फेमिनिस्ट कहती हैं, देश और दुनिया में फेमिनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, अपने एंटी नेशनल विचारों से मशहूर हैं ये. ये हम नहीं कहते, ये विकिपीडिया कहता है. और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके इन मैडम को खासी नाराज़गी है, क्योंकि ये मैडम मानती हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये एंटी मुस्लिम है. एक तरफ तो ये मैडम फेमिनिस्ट हैं, और दूसरी तरफ कहती हैं UCC एंटी मुस्लिम है. ध्यान से देखा जाए तो जिस समुदाय को ये डिफेंड करती हैं वो भी तो एंटी वीमेन हैं. तो एक फेमिनिस्ट एक पीसफुल समुदाय को समर्थन दे रही हैं. अब ना तो ये फेमिनिस्ट रही और ना ही पॉलिटिकल थिंकर. आगे मैं आप लोग को बता दूं, जेएनयू में 2016 में जब विवाद हुआ था, जिसमें नारेबाजी हुई थी, उसमें इन्होंने एक स्पीच दिया था जिसका टाइटल था नेशन अ डेली प्लेबिसाइड, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है, और पूरी दुनिया में बार बार बोला जा चुका है, हर व्यक्ति इसको मानता है, चाहे वो व्यक्ति इस देश का हो या अमेरिका का हो या फिर किसी अन्य देश का. और इसके बाद मैडम का विचार ये भी है, मैडम ये भी कहती हैं कि मणिपुर जो है, मणिपुर पर भी भारत अवैध कब्जा कर रहा है. वही मणिपुर जहां पर अभी भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई गई है. इनको मैं चर्चा का ज्यादा विषय बनाना नहीं चाहता हूँ. ऐसे लोगों को जितना नकारा जाए, जितना दूर किया जाए, उतना ही अच्छा है. इनके बारे में आप ज्यादा जानोगे तो बातें स्पष्ट हैं, आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं. ये उसी कुनबे की एक सदस्य हैं. तो मैं इनके ही शब्दों की एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को. अंग्रेजी में इन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी इज द मोस्ट वायलेंट सोसाइटी, टू द रूट वायलेंट इन द वर्ल्ड. इनका मानना है जो हिंदू समाज है वो दुनिया का सबसे हिंसक समाज है, सबसे ज़्यादा हिंसक समाज है, और हमारी जड़ों में हिंसा भरी हुई है, इनका कहना है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंसक है. तो खास तौर पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनके इस विचारधारा पर,
आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप मुक्त हैं, यही सारी इनकी बातें हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो आपकी मर्जी, मत लाइक करिएगा, और पसंद आया होगा शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।